आप सभी जानते हैं मेरे को ऐसे दग दग हो रही है। जय हिंद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डे बिकॉज आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच है और उम्मीद तो यही करते हैं इंडिया जीत जाए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन जीतेगा और हम जा रहे हैं नाश्ता करने और नाश्ता करके मिलते हैं आपको। आई होप इंडिया जीत जाए और लेट्स सी व्हाट विल हैपन। कुछ कह नहीं सकते, ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ही खतरनाक है आगे, वो भी कुछ कम नहीं। अभी जस्ट रिसेंटली इंडिया से वो टेस्ट चैम्पियनशिप जीते हैं और अभी देखते हैं कि क्या होता है मैच में। हमें तो अपने लोंडू पे प्राउड है भाई, वो जीत जाएंगे। जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा, मेरा ये जो है मेरे फोरहेड पे पिंपल हो रखे हैं। ये इस कारण है कि मैं जो है 3-4 साल से जिम कर रहा हूँ और अभी जो है मैं बाहर हूँ, दिल्ली हूँ, घर से दूर हूँ और इधर गर्म डाइट लेता हूँ और हैवी वर्कआउट करता हूँ, उसकी वजह से हो चुका है। फन फैक्ट की बात यह है गाइस कि जब मैंने 2020 में जिम स्टार्ट करी थी और मेरा ये मानना था, मतलब मानना नहीं था, मेरे माइंड में सबकॉन्शियस माइंड में ये था कि जो है मैं बॉडी नहीं बना पाऊँगा, लाइक कहाँ बनेगी मेरी बॉडी, कैसे बनेगी, इट्स सो इम्पॉसिबल। तो अभी अच्छी खासी बॉडी है, एथलेटिक फिजिक है मेरी, बहुत बढ़िया बॉडी है, तो टाइम के साथ पता नहीं चला। और राइट नाउ मुझे लग रहा है कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, बट इट्स लाइक ए फ्रॉम वेरी बिगनिंग जो है मैं कर रहा हूँ और इतना कुछ नॉलेज भी नहीं है इस चीज़ के लिए और जितना आ रहा है उतना कर रहा हूँ। बाई टाइम सब पता चल जाएगा, बट होता है ना कि शुरू में यार मुझे आगे कुछ चल के मिलेगा, वो चीज़ माइंड में रहती है। बट एक बार मैं कर चुका हूँ, कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रह के अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ और ये करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अभी जो है मैच स्टार्ट हो जाएगा और बीएड की बहुत बुरी हाल हो रखा है, बहुत ज़्यादा हो रखी है और इसको भी मैं सही करवाने जाऊँगा। हेयर तो चलो हमने कटवाने नहीं है और देखते हैं अभी आगे क्या होता है। आज तो घर रहने का प्लान है, घर में ही देखना है कि हमने कजन्स के साथ, भाई के साथ मैंने देखा वर्ल्ड कप। वेलकम अगेन गाइस, अभी दिन का 1:30 बज रहा है और हम हो गए फ्रेश, अभी करेंगे लंच और फिर देखेंगे 2 बजे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है हमारे लिए गाइस, हम बिल्कुल भी नहीं उठने वाले और पूरा मैच देखने वाले, क्योंकि स्टेडियम में तो हम जा नहीं पाए और हम घर में ही देखेंगे। पहले इंडिया बैटिंग करती है, बॉलिंग करती है, तो गाइस मैं करने लगा हूँ लंच और जब मैच स्टार्ट होता है फिर मिलते हैं। टिल देन ओके। मैच हो गया, मैच स्टार्ट वर्ल्ड कप का और ये जा रही है ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप का फाइनल है। बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए, दिल की धड़कने थाम के बैठ जाइए सब। और पहली बार स्टार्क के हाथ में रोहित शर्मा आ गए, ओ व्हाट अ बॉल भाई, बहुत डर लग रहा है मुझे मैच देखते हुए, लगता है मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। सेकंड बॉल मेरे को ऐसे दग दग हो रही है भाई, मुझे दग दग हो रहा है भाई। शुभम गिल आउट हो चुका और किंग कोहली का एंट्रेंस हो चुका और किंग कोहली आते हुए पूरा ग्राउंड में, कोहली कोहली आज ही हमारे का सेंचुरी भाई, विराट कोहली, विराट मैच है ये, विराट और विराट उतर रहे बल्ले के साथ, इंडियन ब्रो सेमीफाइनल में शतक। थोड़ा होना जरूरी इस पिच के ऊपर, शॉर्ट फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग हो गया अभी और चार फील्डर कुछ ऑन साइड पे, एंड इट्स थर्ड वन, व्हाट अ कवर ड्राइव मैन, कवर ड्राइव 4 रनों के लिए, तीसरा लगातार चौका, व्हाट अ ब्यूटी ब्रेकर,
भाई विराट खेल रहा है और अभी 3 चौके लगातार लगा चुका है, बहुत ही खुशी हो रही है। शुभम गिल ने आउट होकर अपनी औकात दिखा दी, आईपीएल में खेलता था इधर आउट हो गया। पोजिंग नहीं रुकनी चाहिए, पोजिंग नहीं कर दिया यार इसने। अय्यर भी आउट हो गया यार, सेम फाइल में सेंचुरी मार के भी आउट हो गया। क्या ये बड़ा मोमेंट है, वो 52% भारत 48% एक साझेदारी आएगी तो वो चीज और, मगर इन फैंस को फिलहाल इनको कंसंट्रेट करने देना होगा। आप देश के लिए यहाँ पर खेल रहे हैं और कोहली और केएल राहुल खेल रहे और अभी इनके बीच में पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है और सब उठ चुके हैं। और आज मुझे लगता है भाई शमी को कुछ करना पड़ेगा, जसप्रीत बुमराह को कुछ करना पड़ेगा, वरना हम मैच हाथ से निकल जाएगा भाई। उनके बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। कोहली की बैटिंग देख के, कोहली जब आउट हुआ तो मैं आ गया ऊपर छत पे, मन नहीं कर रहा मैच देखने का क्योंकि कोहली आउट हो चुका है और देखते हैं अब इंडिया कितना बनाती है स्कोर, लेट्स सी। भाई आज का भाइयों बिल्कुल बेकार है, तो कबूतर उड़ रहे हैं बस, यही मज़े लो। बाकी सन तो दिख ही नहीं रहा बिल्कुल जी, ये हमारा एरिया छत से ऐसा कुछ दिखाई देता है। नोएडा भी दिखाई देता है लेकिन इधर से अभी फॉग की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखें आप, ये नोएडा की बिल्डिंग है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। आई होप गाइस इंडिया जीत जाए आज, बहुत उम्मीदें हैं। विराट कोहली ने अपना काम कर दिया बट ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही। इस फाइनल में ऐसे नहीं करी थी हमने बॉलिंग से। गाइस इंडिया ने बना ली है 232 अभी 49 ओवर्स में और हम अभी छत पे हैं और छत पे मैच देख रहे थे और अभी हो गई रात में, जा रहा हूँ नीचे। अब इंडिया की बॉलिंग देखेंगे क्या करती है इंडिया, होप सो इंडिया जीत जाए क्योंकि इंडिया के पास बहुत अच्छी बॉलिंग है। बहुत प्यारा चांद दिख रहा है, देर नहीं। तो गाइस इंडिया ऑल आउट हो चुकी है 240 पे और हमें अभी लगी है भूख, हम जाएँ खाना बनाने और अभी खाना बनाएंगे और हम बालकनी में खड़े। देखते आउट कर रहा मारने के लिए, 5 बार आउट के 21 बारियों में। अरे गोभी प्याज काट के आंखों में मिर्ची लग गई भाई, चावल बन रहे और गोभी भाई मेरा काट रहा है और प्याज मैंने काट दिया है और अब हम बनाएंगे गोभी की सब्जी विद चावल, लेट्स गो। बस हमने बना लिया खाना और हम अब देखने जाएंगे मैच। अभी 3 विकेट हो चुके थे और 80 रन थे, अब देखेंगे आगे इंडिया जीतेगा भाई, जीतेगा। यार ये हेड क्या हेडेक दे रहा है यार, सीरियसली आउट करो भाई इसको। गाइस हम भी खाना लेके आ गए हैं, बैठ के देख रहे हैं, खाना बनाने में भी देख रहे हैं। ये तो टेस्ट की तरह ऐसे खड़ा हुआ लगभग शेन जैसे, डीआरएस लिया है, मिल जगी है। आगे चला दो अपनी व्यू, केमिस्ट्री श्री नरेंद्र मोदी साहब आए हुए हैं देखने के लिए और इंडिया हार गया।
अभी भी जीत सकते हैं गाइस, अगर शमी चिवाली कर लेते जीते भाई सेंचुरी लगा दी। यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।